Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Study with Gurukuls. And today I will discuss levels of processing, that is, Craig and Lockhart model. Friends, Craig and Lockhart model, it is also known as level of processing. The level of processing effect was a creation of Robert S. Lockhart and Fergus I. M. Craig in 1972. and the duo introduced this model as an alternative to prior memory theories of atkinson and Shiffrin, which had divided memory into sensory working and long-term stages friends it was robert s lockhart and fergus m. i m Craig. in ये level of processing a concept in 1972 or in ये एक alternative dia to the atkinson and Schifrin model go that was the जिसको कि मल्टी स्टेज मॉडल भी कहते हैं जिसमें कि उन्होंने सेंसरी वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म स्टेजेस का डिस्कशन किया था फ्रेंड्स अगर आप एडकिशन और शिफ्रिन मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं बेसिकली क्रेक एंड लॉकर्ट दे बिलीव द डेप्थ ऑफ द मेंटल प्रोसेसिंग इफेक्टेड मेमरी फंक्शन एंड मेमरीज देट अ डीपली प्रोसेस्ड लेट टू लॉन्गर लास्टिंग मेमरीज वाइल शैलो प्रोसेसिंग लीड टू मेमरी दैट डिकेट ईजिली दे बिलीव्ड उनका ये विश्वास था कि जो हमारी गहराई होती है मैंटल प्रोसेसिंग की यही हमारे मेमरी फंक्शन से होती है इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन बहुत शैलो प्रोसेस होती है मतलब बहुत सुपरफिशली प्रोसेस होती है वो ईजिली से हम भूल जाते हैं वो हमें याद नहीं रहता जबकि जो मेमोरीज़, जो इन्फॉर्मेशन बहुत डीपली प्रोसेस होती हैं वो लॉन्गर टाइम तक रहती है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है नौ जानते हैं शैलो प्रोसेसिंग क्या है फ्रेंड शैलो प्रोसेसिंग इट अकर्स बेसिकली इन फोर वेज ये फोर वेज से होती है फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल फिनमिक ग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक स्ट्रक्चरल क्या होती है प्रोसेसिंग ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट और साउंड लुक लाइक्स जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं या साउंड सुनते हैं तो उसका स्ट्रक्चर पहचानते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है हमारे ब्रेन में जैसे कि आप एक एप्पल देखते हैं आप देखते हैं उसका शेप क्या है साइज़ क्या है कलर क्या है बेसिकली आप स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन रहती है फिनॉमिक वैन वी प्रोसेस हाउ समथिंग साउंड्स जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं ये साउंड कैसी है ये साउंड चिल्लाने वाली है विस्पर वाली है कि एवरेज है हम उसके करेक्ट्रिस्टिक्स हमें ऐसे पता चलते हैं नेक्स्ट इज ग्रेफामिक ग्रेफिकमिक मीन्स प्रोसेसिंग लेटर्स कंटेंट इन अ वर्ड जब हमें कोई वर्ड सुनते हैं फॉर एग्जाम्पल जब आप एप्पल सुनते हैं तो आपका ब्रेन प्रोसेस करने लगता है इसमें क्या क्या लेटर्स हैं ए डबल पी एल ई सो दैट इज ग्राफामिक नेक्स्ट इज ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक मीन्स वैन योर ब्रेन प्रोसेस द शेप ऑफ समथिंग आप किसी की शेप प्रोसेस करते हैं लाइक आप क्यूब देखते हैं आप एक सर्कल देखते हैं आप उसको रिलेट करते हैं लाइक ऑरेंज ऑरेंज आपको कैसा दिखेगा राउंड सर्कल की तरह आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं दैट इज़ ऑर्थोग्राफिक सो बेसिकली देर आर फोर वेज इन विच द शैलो प्रोसेसिंग आकर दैट इज स्ट्रक्चरल फिनॉमिक ग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक नाउ नेक्स्ट इज डीप प्रोसेसिंग हाउ वी प्रोसेस डीपली हम डीप प्रोसेसिंग कैसे करते हैं डीप और जिसको कि सीमेंटिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं, जो कि थ्री वेज में होती है द फर्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन टू सम एल्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सिचुएशन को रिलेट कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर ने कोई वॉच आपको गिफ्ट दी है तो जब जब आप वॉच देखते हो आपको आपकी मदर की याद आती है कि आपकी ये मदर ने दी थी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिचुएशन आप और आपके फ्रेंड कहीं घूमने जाते हैं एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं बट जब नेक्स्ट टाइम आप गए हो तो आपका फ्रेंड वो साथ में नहीं है बट फिर भी जब आप उस कॉफ़ी शॉप में जाते हो तो आपको आपकी अपने उस फ्रेंड की याद आती है दैट इज़ वैन वी रिलेट एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन टू समथिंग एल्स वो हो जाती है एक टीपर लेवल की प्रोसेसिंग नेक्स्ट इज़न द मीनिंग ऑफ समथिंग इज़ थाट ऑफ जब आप किसी टॉपिक का मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स जब आप पढ़ते होते हैं तो कुछ टॉपिक्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आते क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके ब्रेन में नहीं बन रही होती है बट कुछ जो टॉपिक्स आपको बहुत क्लियर हो जाते हैं क्योंकि आपको वो समझ में आ जाता है सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट सो दैट इज़ वैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग और टॉपिक नेक्स्ट इज़ वैन वी प्रोसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग जब हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जबकि आज मैं आपको लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग समझा रही हूँ जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन साइकोलॉजी फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जब आपको लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकता है तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है और आप इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हो तो फ्रेंड दीज आर द बेसिक थ्री लेवल्स ऑफ डीप और सीमेंटिक प्रोसेसिंग ना वी विल कम्पेयर बिटवीन द डीप एंड शैलो प्रोसेसिंग ना सिंपली टू पुट द वे वी प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन टोटली अफेक्ट्स द एक्सटेंट दैट इज मेमराइज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर डीप और शैलो प्रोसेसिंग को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्रिक एंड लोकार्ट ने बोला था कि जिस हिसाब से लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है उसी हिसाब से हमें चीज़ें याद रहती हैं हमारी मेमोरी में, में, में रहती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डीप और सिमेंटिक डीप एंड सीमेंटिंग प्रोसेसिंग इन्वॉल्व अज थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग विच कॉजेज द मेमरी ऑफ इट टू बी इजीली एसेस्ड। क्रेक एंड लोकार्ट मानते थे कि जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग बहुत डीप और सिमेंटिक तरीके से होती है वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहती है और हम उसको इजीली एसेस कर पाते हैं याद कर पाते हैं एंड बारे में यूटिलाइज कर पाते हैं वेयर एस जब शैलो प्रोसेसिंग होती है ओनली थिंग्स अबाउट सरफेस ऑफ समथिंग मींस मीन्स सून डिकेज और इज फॉगोटन बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत शैलो प्रोसेसिंग हुई है तो हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं आज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और आपके सामने से एक वाइट कार जाती है तो आपको उसका वाइट कलर याद रह जाता है बट नंबर प्लेट पे एक आध नंबर भी याद रह सकता है बट सारे नंबर आपको याद नहीं रहते क्योंकि वो जो है बहुत शैलो प्रोसेस हुई थी हमारे ब्रेन में सो फ्रेंड दैट इज़ बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द डीप एंड शैलो प्रोसेसिंग विच डिटरमाइंस कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में कितनी देर तक रहेगी और हम उसको कब और कैसे एसेस कर पाएंगे और कितनी देर तक हमें याद रहेगी दैट वॉज एक्सप्लेन बाय द क्रेक एंड लॉक आर्ट इन देयर मॉडल दैट इज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग नाउ रिहर्सल फैक्टर दे ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द रिहर्सल फैक्टर कि रिहर्सल फैक्टर क्या करता है हाउ इट डिटरमाइंस इफ़ अ मेमोरी रिमेन्स वो कहते हैं कि रिहर्सल फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है मेमोरी में दे फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मेंटेनेंस रिहर्सल मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या होता है दे इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द इन्फॉर्मेशन हम इस इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये छोटे बच्चों को याद कराया जाता है लाइक ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय और ये पूरे एक साल नर्सरी में उनको रिपीट कराया जाता है एंड दैट इज़ द रिपीटिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इसमें दैट इज़ द मेंटेनेंस रिहर्सल एंड नेक्स्ट इज द इलेबोरेटिव रिहर्सल इन विच द इंफॉर्मेशन इज़ एनालाइज इन अ डीप वे जिसमें कि इंफॉर्मेसन जो है बहुत डीपली एक पूरा थाट प्रोसेस लगता है उस कंसेप्ट को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड जब आप मैथ्स करते हो तो आप एक फॉर्मूला कहाँ फिट करना है कैसे यूटिलाइज़ करना है उसको एक बार सीख लेते हो तो वो आपको याद रहता है लाइफ टाइम के लिए ऑलमोस्ट सो दैट इज़ ए इ रिहर्सल जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से एनालाइज हुई है उसका कंसेप्ट समझा गया इन अ डीप वे नेक्स्ट इज डिस्टिंगटिवनेस डिस्टिंगटिवनेस मीन्स द एबिलिटी टू टेल द आइटम्स अपार्ट जब आपके पास वो एबिलिटी होती है आप आइटम्स को डिफरेंशिएट कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल यू नो टू टू जा फोर बट यू सेम टाइम यू नो थ्री टू इज़ सिक्स ये जब डिस्टिंक्टिवनेस आ जाती है उसको बोलते हैं दैट एबिलिटी टू टेल आइटम्स अपार्ट एंड फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू क्रेक एंड लॉकअ ही सेड अ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल सजेस्ट दैट ओनली वन ऑफ द एबव फैक्टर व्हिच इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म मेमोरी इज एबरेटिव रिहर्सल उनका मानना था कि ये जो इलेबरेटिव रिहर्सल है इसका ही मेन योगदान है जो कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है लेट्स सी फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस्ड द लॉन्ग टर्म द स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग जो कि शैलो होती है बहुत सुपरफिशियल प्रोसेसिंग होती है फोनेटिक प्रोसेसिंग जो कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकती है सीमेंटिक प्रोसेसिंग जो कि बहुत कंसेप्चुअल होती है जिस बहुत थॉटफुल प्रोसेसिंग होती है और वो डीप होती है तो फ्रेंड्स ये होता क्या है पहले हम किसी के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि वो कैसा स्ट्रक्चर है है ना उसके बारे में जानते हैं सुपरफिशियल उसकी प्रोसेसिंग होती है फिर हम फोनेटिक प्रोसेसिंग होती है उसके बाद हम कंसेप्ट बनता है उसके बाद एक सीमेंटिक और एक थॉटफुल कंसेप्ट समझ में आ जाता है ये जब हो जाता है देन द इंफॉर्मेशन गोज इन टू द लॉन्ग टर्म मेमरी सी फ्रेंड इट वर्क्स लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द क्रेक एंड लॉकट मॉडल नाउ हाउ डिड क्रेक एंड लॉकट मॉडल वॉज डिफरेंट क्रेक एंड लॉकआट मॉडल जो है कैसे डिफरेंट था नो फ्रेंड बिफोर क्रेक एंड लॉकआट मॉडल देर वॉज एटकिनशन एंड शिफरेंट मॉडल जिन्होंने की मल्टी स्टेज मॉडल दिया था जैसे कि मैंने आपको बताया था हाउ इट वॉज डिफरेंट फ्राम इट इट वॉज डिफरेंट बिकॉज एट बिकॉज देर एटकेंशन एंड शिफरेंट दे कंसनट्रेटेड ऑन द स्टोरेज बॉक्सिस उन्होंने स्टेज बताई थी उन्होंने बताया था कि एक सेंसर रजिस्टर होता है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्टोरेज होता है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का होता है ये स्टेजेस बताई गए बट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल फोक फोकस ऑन द प्रोसेस दैट मेकअप मेमोरी एंड डज नॉट डिस्टिंग बिटवीन द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी उनके अकॉर्डिंग कोई लॉन्ग टर्म और कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया गया कोई स्टोरेज सिस्टम के बारे में बात नहीं बताई गई अकॉर्डिंग टू दैम द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली एलेबरेटिव रिहर्सल इम्प्रूव दी लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्होंने एक बेसिक कंसेप्ट दे दिया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है बस एलेबरेटिव रिहर्सल से इम्प्रूव हो सकती है और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन जो है गेन कर सकते हैं एट द सेम टाइम एटकेशन शिफरेंट मॉडल सजेस्टेड दैट एनी फॉर्म ऑफ रिहर्सल लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन लॉन्ग टर्म मेमरी अनलाइक एटकेशन शिफ्ट मॉडल विद स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म मेमरी एंड शॉर्ट टर्म मेमरी लेवल ऑफ़ प्रोसेसिंग हैज़ नो सेट स्ट्रक्चर नो फ्रेंड एडकिशन एंड शिफन मॉडल जो था बहुत स्ट्रक्चर्ड मॉडल था जैसे मैंने बताया एक सेंसरी रजिस्टर है शॉर्ट टर्म मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी है स्टेजेस हैं स्टोरेज बॉक्सेस हैं बट क्रेक एंड लॉकआर्ट थ्योरी ने कोई भी एक सेट स्ट्रक्चर नहीं दिया उनका कोई भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था इन मेमरीज़ को दिखाने के लिए ना वट वर द स्ट्रोंग पॉइंट ऑफ दिस क्रेक एंड लॉकअ मॉडल फ्रेंड देवर सम वेरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ दिस क्रेक एंड लॉकअ मॉडल वर दे वर द फर्स्ट थ्योरी टू शो दैट द मेमरी इज एक्चुअली इम्प्रूव वैन इट गोज डीपर प्रोसेसिंग फ्रेंड्स इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया वो दिया डीपर प्रोसेसिंग का कि इंफॉर्मेशन जो बहुत डीपली प्रोसेस होती है अच्छे से थॉटफुल कंसेप्ट के साथ प्रोसेस होती है उसका कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था दिस इन टर्न वाई सर्टेन थिंग्स आर बेटर रिमेम्बर्ड देन अदर्स इट ऑल्सो इम्प्रूवड दैट एनकोडिंग इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस एंड फ्रेंड इनकी थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई कि क्यों हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं जबकि कुछ चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रहती हैं या कम याद रहती हैं और इन्होंने एनकोडिंग को ये भी बताया कि एनकोडिंग एक सिंपल प्रोसेस नहीं है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एनकोडिंग का एंड फाइनली ब्रेन इमेजिंग स्टडी शो द हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग लीड टू ग्रेटर एक्टिविटी लेवल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन विच गिव्स द थ्योरी सम क्रेडिट एंड लेटर ऑन फ्रेंड्स वेन सम स्टडीज वर डन विद द हेल्प ऑफ ब्रेन इमेजिंग स्टडीज लाइक एम आर आई और पी ई टी जब ये वाली ब्रेन स्टडीज़ की गई तो उसमें भी ये बहुत एविडेंट था कि देर इज़ हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग विच लीड्स टू ग्रेटर एक्टिविटी जो हमारे जब ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन में अलग अलग एक्टिविटी होती है फॉर तो एग्जाम्पल शैलो एक्टिविटी होती है तो अलग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की और जब डीप प्रोसेसिंग होती है तो अलग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की तो ये जो इसको इस वजह से बहुत क्रेडिट मिला है इस थ्योरी को Now friends, there was something which Craig and Locker theory missed. Uski kuch weakness bhi rahi, jo ki I will discuss. Kya ke weakness rahi uski? In terms of weakness, the theory is better described than explained. It seemed to be very simple explanation for such a complex subject with the terms deep and shallow, hardly an all-encompassing look. एंड टू द थ्योरी ऑफ मेमरी फ्रेंड्स इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दी जस्ट शैलो और डीप ये दो कंसेप्ट देकर उन्होंने पूरा मेमोरी का कंसेप्ट समझा दिया जो कि uh, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था इन्होंने प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए एंड फ्रेंड अनादर वीकनेस इज द पार्ट ऑफ द थ्योरी विच सजेस्ट दैट शैलो प्रोसेसिंग इक्वल्स अ मेमरी बींग क्विकली लॉस्ट हंड्रेड परसेंट एक्ूरेट इन ऑल केसेज फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि जो शैलो प्रोसेसिंग होती है उसमें पूरी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है बट वो ये नहीं बता पाए कि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने अभी आपको एक वाइट कार का एग्जाम्पल दिया था वो गई आपको ठीक है आपने सुबह वो वाइट देखी आपको ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता वाइट कार का कलर याद रह जाता है आपको एक आध नंबर याद रह जाता है तो वो इस बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो रह जाती है वो किस वजह से रह जाती है एंड अनदर थिंग इज़ दोज़ विद इलनेस दैट अफेक्ट मेमोरी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एंड फ्रेंड एक चीज़ वो और एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर किसी को कोई बीमारी है मेमरी uh, से रिलेटेड तो उसमें लेवल ऑफ़ प्रोसेसिंग की थ्योरी कैसे अप्लाई की जाएगी वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की बट फाइनली दिस थ्योरी वाज गिवन इन 1972 बट सिंस देन वेरियस न्यूरो साइकोलॉजिकल स्टडी हैज़ सजेस्टेड देयर आर स्पेसिफिक सिस्टम्स ऑफ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर्स कंटेन इन आर मेमरी फ्रेंड्स 1972 के बाद बहुत सारे न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं जिसमें कि ये बहुत एविडेंट रहा है बहुत सजेस्टेड रहा है कि हमारी मेमरी के लिए स्टोर्स भी रहते हैं और स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं सो एटकिशन और शिफरिन मॉडल को भी सपोर्ट मिला है तो फ्रेंड दिस वॉज ऑल अबाउट क्रेक एंड लॉकट थ्योरी आई होप इट वॉज एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई विश कि आपको ये समझ में आया होगा एंड फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें माई यूट्यूब चैनल को दैट इज़ स्टडी विद गुरुकुल थैंक यू